भाई मैं तो रेडी हो गया हूँ, तुम लोग रेडी नहीं हुए। राखी क्या सीन है, 7:30 का टाइम था, 8 बज चुके हैं अभी तक। हो कहाँ तुम लोग सब? मम्मी आप रेडी हो? मम्मी हमारे रेडी हो चुके हैं, मम्मी लेट नहीं होते कभी भी। अब राखी को देखते कहाँ है वो। कहाँ है मैडम? ए लो अभी तक तैयार है भाई, 7:30 का टाइम था, हमेशा लेट ऐसा थोड़ा चलेगा। चलो जल्द गाइस, जब से मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ तब से एक बात नोटिस करी है कि जब भी हम नीचे जाने वाले होते हैं तो लिफ्ट नीचे ही होती है, उसको ऊपर बुलाना पड़ता है। और जब हम नीचे से ऊपर आने वाले होते हैं तो हमेशा टॉप फ्लोर पे मिलती है, वहाँ से वेट करना पड़ता है। अभी तक का ये हर बार का यही सिनेरियो है। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और यू वॉचिंग माय लाइफ माय वे। आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं जरा एक ऐसी प्लेस पे जहाँ पे मैं लगभग पिछले 4-5 सालों से जा रहा हूँ रेगुलरली, और वहाँ जाने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हुए, और जो भी आज मेरे पास है लाइफ में ठीक है वो सारा उनकी कृपा से ही है। तो वहाँ मैं जाता हूँ हमेशा हाजिरी लगाने, शुक्रिया अदा करने। आज मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ, साथ में मम्मी और राखी भी जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक यहाँ पे गुड न्यूज़ भी है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये खड़ी है हमारी धन्नो रानी, से हाय ने हेलो कर दिया आप सभी को। ठीक है तो गाइज़ अभी हम निकलने वाले हैं उस प्लेस के लिए जहाँ पे मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ। वो बहुत ही ग्रेट प्लेस है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है वहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि काफ़ी दिनों बाद मैं कैसे फ्री हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे काफ़ी ब्लॉग नहीं आए इतने दिनों से, तो क्या था इसका रीज़न ये था कि मैं पहले जाइडस ग्रुप में काम कर रहा था कैडला हेल्थ केयर में, जो मैंने आपको बता रखा है पहले से। वहाँ से मैंने शिफ्ट किया अपनी जॉब को, अभी मैं दूसरे ग्रुप में चला गया हूँ। साइंटिस फार्मा है, रशियन सप्लाई है वहाँ पे आई ड्रॉप्स और ई ड्रॉप्स की, तो इस वजह से थोड़ी सेटलमेंट कर रहा था तो टाइम नहीं लग रहा था मेरे पास ब्लॉग बनाने का। तो आज फ्री हुए हैं, आज फैमिली के साथ ज़रा घूमने निकले हैं, और आप इन्जॉय करो हिमाचल की ब्यूटी को। लेट्स गो। लॉकडाउन खुल गया बद्दी में भाई, जनता सारी बाहर घूम रही है और मास्क का कोई नाम नहीं।
गाइज आपको ब्यूटी दिखाता हूँ मैं जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे पूरी ग्रीनरी है। और राखी बोरी जरा मैं तैयार होके आई हूँ, फोटो शूट तो कर दो मेरा, इतनी मुश्किल तैयार होके आई हूँ सुबह सुबह, तो बोरी दो चार फोटो खींच दो तो उसका फोटो शूट करते हैं, जब तक आप ग्रीनरी एंजॉय करो। तो गाइज हम रुके थे फोटो शूट करने के लिए राखी का, और आपको ग्रीनरी दिखा दी है मैंने, हम निकलते हैं आगे अपनी जर्नी के लिए, तो कंटिन्यू करते हैं। गाइज़ हम पहुंच चुके हैं वहां पे गुरुद्वारे पे जहां मैं हर वीकेंड पे आता हूं। ये शूरेक है, यहां पे शूज़ रखते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं वहां पे उस प्लेस पे, यहां पे खड़ा हूं मैं, ये गुरुद्वारा है जवाहर सिंह जी बाबा जी महाराज का, हरिपुर वाले बाबा जी के नाम से फेमस है ये प्लेस, ठीक है आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बना है। अभी क्या है कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं जाके मत्था टेक के आता हूँ, हाजिरी लगा के आता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ, जब तक आप एंजॉय करो बाबा जी की ब्यूटी को। और आप भी कुछ भी मांगना चाहते हैं, कुछ भी आपकी मनोकामना है, आप यहाँ जरूर आएँ, और आप रेगुलर अगर यहाँ आएंगे तो आपकी विशेष सारी पूरी होंगी, ठीक है। आज जो भी मेरे पास है सब कुछ यहाँ के बदौलत ही है, और मेरी लाइफ फुल ऑफ पॉजिटिविटी है इस टाइम, तो एंजॉय करो आप ब्लॉग को और मैं मत्था टेक के आता हूँ। टेक लिया है बाबा जी का, हाजिरी चढ़ा दी है, बस अब यहाँ से हम निकलेंगे, और आई होप कि आपको ये प्लेस पसंद आई होगी और आप भी यहाँ आएंगे जरूर मत्था टेकने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप जरूर आएँ यहाँ पे, आपके सब मनोकामनाएं पूरी होंगी, बहुत ही प्यारी जगह है। तो गाइस ये थे हमारे जवाहर सिंह जी बाबा जी महाराज हरिपुर वाले बाबा जी का दरबार, जहाँ मैं हमेशा आता हूँ, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो गाइस यहीं तक था ये ब्लॉग, और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा यहाँ का रास्ता, यहाँ के व्यूज़, और ये स्पेशली दरबार जो भी हरिपुर वाले बाबा जी का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।